आगे। हाँ जी आ गए हाय हेलो क्या हाल चाल so, है सो छोटा सा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस मैं देख लूँ एक बार तुम लोग आ गए हो तो

मेरा वीडियो तो नहीं बंद हो रहा है नहीं सब चल रहा है चलो सही है हाय हेलो चाहत सोनी राधिका दिग्विजय रक्षिता क्या हाल चाल है बढ़िया कैसे चील चल चील नहीं रही है कैसे चल रही है नीट 2022 की तैयारी बहुत सारे बच्चे ऐसे पूछ रहे थे आज मुझसे कि मैम क्या नीट 2022 हजार पोस्टपोन होगा तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक वीडियो बना दूँ तुम्हारे लिए या इसी वीडियो में बता दूँ इसी वीडियो में बता देती हूँ मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पोस्टपोन होगा या नहीं होगा मुझे चाहिए कि 17 जुलाई तक तुम्हारे सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो के उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो के उनकी टेस्ट हो के मैं तुम लोगों को रेडी कर दूँ नीट 2022 के लिए मुझे नहीं फर्क पड़ता सत्रह जुलाई से आगे जाएगा नहीं जाएगा आई डोंट केयर इतना सा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो तुम्हें क्रैश कोर्स कराने के बाद भी मुश्किल लगते हैं क्यों ऐसा कुछ है कि जो मैं क्रैश कोर्स में करा देती हूँ उसके बाद भी तुम्हें लगता है यार क्या हो गया यार ये क्या हो गया कुछ पता सा नहीं चल रहा तो मैं क्रैश कोर्स कराने के बाद भी मैं कोशिश करूंगी कि कुछ कुछ टॉपिक्स तुम्हें डिटेल में करा दिए जाएं ठीक है पर अभी मुझे क्रैश कोर्स पे ध्यान देने दो क्योंकि बहुत एनर्जी लगती है क्रैश कोर्स बनाने पर जितना बना पा रही हूँ बना रही हूं बाकी मैंने सुना तुम सभी लोगों ने अः प्लस ज्वाइन कर लिया है अन अकेडमी प्लस दो सौ में अपनी अपनी जमा पूंजी को इन्वेस्टमेंट कर दिया है तुमने है ना बहुत सोच विचार के एन करवाऊंगी कुछ कुछ चीज़ों का एनसीआरटी करवाऊंगी किस किसने सब्सक्रिप्शन ले लिया 45 डेज का दो सौ में जो पैसे छुपाए हुए थे वो निकाल के वहां पे मैं क्या कर रही हूँ जो क्वेश्चन टेस्ट में मैं यहाँ पे जो चैप्टर्स करा रही हूँ उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पे करवा रही हूँ ठीक है हालांकि मैं टेस्ट सबके लिए फ्री रखती हूँ हमेशा स्पेशल क्लासेस में ही रखती हूँ लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं अभी प्लस पे करा रही हूँ तो तुम ज्वाइन कर लो ना तुम लोग को क्या चलो आओ पढ़ाई शुरू करें सो so, ये नन्हा सा चैप्टर है अच्छा तुम लोग को पता है इस वक्त आर आई कोड डालने पे आपको ट्वेंटी परसेंट ऑफ मिल रहा है मतलब जो दो सो टू नाइनटी नाइन वाला ना तीन सौ रुपए वाला उसमें साठ रुपए और मिल जाएगा आपको और इनफैक्ट ये किसी भी सब्सक्रिप्शन में मिल रहा है अभी आपको चाहे आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लो चाहे दो साल का लो चाहे प्लस का लो चाहे अकाउनिक लो आर आई टी यू ऋतु कोड डालो एंड यू विल गेट ट्वेंटी परसेंट ऑफ ऑन फीस ठीक है जी hmm. बायोटेक्नोलॉजी एंड ईड्स एप्लीकेशन तो बात कुछ ऐसी है अब तुमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना सीख लिया तुमने सीख लिया कि ह्यूमन के अंदर कुत्ते का जीन कैसे डालना है या ई कोलाई के अंदर ह्यूमन का जीन कैसे डालना है या किसी पेड़ के अंदर जुगनू का जीन कैसे डालना है तुम किसी का भी जीन किसी के अंदर डाल सकते हो बायोटेक्नोलॉजी से है ना विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर कर दो अब तुम्हें सीखना है कि ऐसा करना क्यों है इतना दिमाग क्यों खराब करना है तो वो तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में कि भैया इतना क्यों किया है तो पहले तीन एप्लीकेशन फर्स्ट पेज ऑफ एन में दिए हुए थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर इन एरियाज पे रिसर्च चल रही है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ माइक्रोब और प्योर इन्जाइम ठीक है मान लो कोई रिएक्शन है जो आपको बहुत फायदा है आपको वो रिएक्शन करवा के इकोनॉमिक यूज है मान लो उस रिएक्शन का कोई तो आपको एक एंजाइम चाहिए होता है वो एंजाइम मान लो आप किसी ऑर्गेनिज्म से निकाल रहे हो तो एक फायदा ये है बायोटेक्नोलॉजी का कि आप उस एंजाइम की क्वालिटी इंप्रूव कर दो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर दो कैसे उस ऑर्गेनिज्म में कोई बाहर का जीन डाल दो फॉरेन जीन डाल दो समझ रहे हो क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशंस थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट कंडीशन ऐसी बना दो बायोटेक्नोलॉजी से कि बेटर एक्ट कर सके वो कैटलिस्ट डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्योरिफाई द प्रोटीन बेटर डाउन स्ट्रीमिंग कर दो ये तीन क्रिटिकल एरियाज है रिसर्च के बायोटेक्नोलॉजी में अभी एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम चार फील्ड्स पढ़ेंगे जहां पे हम बायोटेक्नोलॉजी की पूरी जान लगा देंगे पहला एग्रीकल्चर दूसरा मेडिसिन तीसरा ट्रांसजेनिक एनिमल्स एंड चौथा एथिकल इश्यूज ये एक्चुअली दिस इज नॉट अ एप्लीकेशन दिस इज नॉट एन एप्लीकेशन इट इज अ कॉशन कि बायोटेक्नोलॉजी करने के अगर ये फायदे हैं तो भैया हमें ध्यान से भी चलना पड़ेगा ठीक है कुछ एथिक्स हैं कुछ मॉरल्स हैं जिनको तुम नहीं तोड़ सकते जब तुम बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो पहला टॉपिक शुरू करेंगे एग्रीकल्चर में कैसे बायोटेक्नोलॉजी ने हमारी मदद करी है इट हैज मेड क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस कोल्ड ड्रॉट सॉल्ट कंडीशन हीट जैसे कि एक पौधा लो उसमें तुम ऐसा जीन डाल दो जिससे कि उस पौधे की वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाए ठीक है तो अगर ड्रॉट आ गया मान लो ठीक है पानी सूख गया लो, सूखा पड़ गया तो वो प्लांट फिर भी जिंदा रह पा रहा है सो so, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया तुमने इस तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जिसमें तुम एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पढ़ते हो बीटी कॉटन का ठीक है जी किससे रेजिस्टेंट हो जाता है ये ए, क्या बोलते हैं कॉटन बॉलवॉम से रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस ठीक है मान लो तुमने अपनी गेहूं जमा करी ठीक है और वहां पे घुन लग गया उस गेहूं में ठीक है तो वो तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो गया लेकिन तुमने उस गेहूं में एक ऐसा जीन डाल दिया था जिससे कि वो एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे कि घुन नहीं लग सकता उसमें पेस्ट रेजिस्टेंट है वो गेहूँ ठीक है तो वो कम हो गया इंक्रीज एफिशियंसी ऑफ मिनरल यूसेज इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू तो इन्हांस न्यूट्रिशन वैल्यू पर तुम्हारी एनसीआर ने एग्जाम्पल दिया हुआ है गोल्डन राइस ठीक है वाइटमिन ए इन राइस इस राइस के अंदर वाइटमिन ए का प्रिकर्सर मिलता है ठीक है ये येलो कलर का होता है इसलिए इसको गोल्डन राइस बोलते हैं वाइटमिन ए का प्रिकर्सर कैरोटीन आई थिंक बीटा कैरोटीन मिलता है प्री ठीक है ठीके? तो ये जब हम इसको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके वाइटमिन ए बना लेता है जिससे कि हमारी आंखों की दिक्कतें ठीक हो जाती है नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं हो पाती ठीक है तो ये न्यूट्रिशनली इनरेस्ट हो गया इंक्रीज शेल्फ लाइफ जैसे कि कि सेवर इंक्रीज शेल्फ लाइफ में क्या होता है कि आपका टमाटर जो दो तीन दिन के बाद गल जाता है ठीक है अब वो मान लो दस दिन नहीं गलेगा दिन नहीं गलेगा तो वो सेवर टोमेटो का एग्जाम्पल हो गया बी कॉटन एग्जाम्पल्स ऑफ बी टी क्रॉप टोमैटो पोटैटो कॉर्न कॉटन राइस सोयाबीन ब्रिंजल ठीक है इसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन फर्स्ट बीटी क्रॉप टू बी इंट्रोड्यूस इन इंडिया In India. ये कौन सी है ये तुम्हारा होमवर्क है ये मैं टेस्ट में डालूंगी ठीक है हिंट ये है कि बीटी कॉटन नहीं है जो बच्चा बीटी कॉटन करेगा उसके मार्क्स कट जाएंगे कौन सी है अभी गूगल कर लो तुम आराम से ठीक है अभी कर लेना क्लास के बाद कर लेना मैं नहीं बताऊंगी कुछ काम खुद भी करो बीटी टी किस किस को टारगेट करते हैं कोलियोपटेर को करते हैं को करते हैं Dibterans को करते हैं, में, हैं Tobacco, Birdworm, Arbyworm, में आता है टोबैको बर्डवॉर्म आर्मी वोपटेरेंस में आता है बीटल्स डायपटेर में आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो तो इसमें होता क्या है बीटी कॉटन में या जितनी भी बीटी क्रॉप्स हैं उनमें क्या होता है एक बैक्टीरिया है बैसिलस बेसिलस जेनेसिस जो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन बनाता है अपनी बॉडी के अंदर ठीक है वो बैक्टीरिया की बॉडी में इनएक्टिव होता है उसको एक्टिव करने के लिए एल्कलाइन पी चाहिए होता है ठीक है तो जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म उस बैक्टीरिया को खाएगा तो बैक्टीरिया उस ऑर्गेनिज्म की गट में जाएगा ठीक है उन ऑर्गेनिज्म की गट में अल्कलाइन पी होगा तो वो जो टॉक्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है एल्कलाइन पीएच पे और जैसे ही वो टॉक्सिन एक्टिवेट हुआ उसने उस इंसेक्ट को या जिस भी जिसने भी बैक्टीरिया को खाया उसको मार उसको मार दिया तो हम क्या करते हैं जेनेसिस का वो जीन काट लेते हैं जो कि टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है और उस जीन को कॉटन के अंदर डाल देते हैं कॉटन के सेल के अंदर डाल लेते हैं मतलब समझ रहे हो सेल के अंदर डाल लेते हैं फिर इस सेल का टिश्यू कल्चर कर लेते हैं कैलस बन जाएगा सब में जीन आ जाएगा फिर इससे प्लांट बना लेंगे अब वही टॉक्सिन कॉटन के अंदर भी बन रहा है लेकिन इनएक्टिव टॉक्सिन बन रहा है तो अब अगर किसी कीड़े ने जैसे कि बॉल ने कॉटन को काटा तो बॉलवॉम की मिड गट में जाके ये एक्टिवेट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भैया एक इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन सा पीएच चाहिए एल्कलाइन पीएच चाहिए एसिडिक पीएच चाहिए पे एक्टिवेट होता है तो ये एक्टिवेट होता है उसकी मिड गट में जाके ठीक है और मिड गट में जाके ये टॉक्सिन उसके एपिथीलियल सेल से चिपक जाता है और एपिथिलियल सेल से जैसे ही चिपकेगा वो एपिथिलियल सेल को तोड़ देता है लाइस कर देता है और उसकी बॉलवॉम की डेथ हो जाती है बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटॉक्सिन इन बैसिलस इसका नाम याद रखना है थ्यूरिनजेंसिस टॉक्सिन गेट्स एक्टिवेटेड बाय एल्कलाइन पीएच ये ध्यान रखना है इन इन मिडगट होना चाहिए इन मिडगट ऑफ इंसेक्ट्स ये ध्यान रखना है मिडगट एपिथेलियल सेल्स आर लाइज्ड कॉजिंग डेथ ऑफ इंसेक्ट अब दो एग्जांपल्स दिए हैं बी टॉक्सिन भी हल्का हल्का अलग अलग सा होता है वो अलग अलग जीन्स से बनता है तो कुछ जीन्स पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करने के काम आते हैं जैसे कि जब हम लिखते हैं क्राई जब सी बड़ा लिखा और ये आर वाई छोटा लिखा तो दिस इज बेसिकली प्रोटीन जो वो टॉक्सिन है लेकिन जब मैं लिखती हूँ क्राए ये तीनों ही मैंने सेम हाइट के लिखे हैं दिस इज जीन जो कि क्राई प्रोटीन को बना रहा है इस प्रोटीन को बना रहा है ठीक तो है तो एक्चुअली ये जीन्स हैं तो हाँ सही लिखा है सी छोटे होना चाहिए क्राई वन ए सी कॉटन बॉल वॉर्म के ऊपर अटैक करने के काम आते हैं एंड क्राई वन जो है वो कॉर्न बोरर पे अटैक करने के लिए काम आता है ये कैसे याद होगा यार मैं पचास बार याद कर चुकी हूँ फिर भूल जाती हूँ मैं क्राई वन ए सी क्राई बताओ अपने बहुमूल्य कमेंट्स दो जरा मुझे तुम लोग कैसे याद करते हो इसको हम्म नहीं कोई तुम्हारा इनपुट नहीं है इसमें क्राई, क्राई 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 तो ठीक है हाँ क्राई 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 मुझे ऐसे तुम लोगों को तो मैं याद करा देती हूँ फिर भूल जाती हूँ आदित्य क्राई 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 से याद तो करा लेती हूँ तुम्हें फिर भूल जाती हूं मतलब एकदम से याद नहीं आता ए सी से बॉलम कॉटन अच्छा कॉटन और ए सी का कुछ बना सकते हैं है हम है ना हम कॉटन और ए सी का कुछ बना सकते हैं जैसे गर्मियों में हम कॉटन पहनते हैं वैसे ही गर्मियों में हम ए सी भी चलाते हैं तो मतलब ए सी ऊपर ही आएगा नीचे नहीं आएगा कॉर्न बोरन में एसी नहीं आएगा ठीक है ये तो हम लिख लेंगे क्राई वन क्राई टू और यहां पे क्राई वन ये ऐसे लिख लेंगे ए बी ए बी ए सी ऊपर आएगा कर सकते हैं वैसे याद चलो आर एन ए इंटरफेरेंस दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन है बी टी कॉटन वाला सेकेंड एप्लीकेशन है आर एन ए इंटरफेरेंस जिसमें तुम क्या करते हो एक कीड़ा तुम्हें तंग कर रहा है ठीक है इस केस में जो हमारी एनसीआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन सा कीड़ा तंग करता है मिलायडी इनकोग्निशिया नाम का कीड़ा तंग करता है कीड़ा मतलब इट इज अमेटोड बेसिकली एस खेलमेंथिस में आता है ठीक है कौन है ये ये है मिलोयडी इनकोग्निशिया इनकॉग्नीशिया मिलोयडी ये क्या करता है ये टोबैको प्लांट की रूट में घुस जाता है रूट 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 सेल्स में में घुस जाता है तो इतना इतना है 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 तुम को कि हम हम इतना कितना छोटा छोटा बहुत होता होता माइक्रोस्कोपिक ये नॉट ऑफ टोबैको नामक डिजीज प्रोड्यूस करता है। तो हम इसे मारने के लिए एक टेक्नोलॉजी अपनाते हैं हैं जिसे कहते है। उसमें क्यों क्योंकि उस एम को हम साइलेंस कर देंगे मतलब उस एम को हम प्रोटीन नहीं बनाने देंगे कैसे साइलेंस कर देंगे हम इस एम का कॉम्प्लीमेंट्री आर बनवा देंगे इसकी बॉडी में मिलोइडिगोइन इनकोग्नीशिया की बॉडी में इसके एम का कॉम्प्लीमेंट्री आर बना देंगे जो कि उसके साथ बाइंड कर लेगा अगर वो डबल स्टैंडर्ड हो गया आर तो वो प्रोटीन नहीं बना पाएगा तो अब ये कैसे हो पाएगा इसके अंदर में अपना आर कैसे डालूँ जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री हो मैं क्या करती हूँ इसी का जीन उठा के इसी का जीन उठा के टोबैको के अंदर डाल देती हूं ठीक है मुझे थोड़ा पेज चाहिए मैं क्या करती हूं इसी का जीन उठा के ये टोबैको के अंदर डाल देती हूँ सेल ठीक है और मैं इस प्रकार से जीन डालती हूं कि सेंस और एंटी सेंस दोनों प्रकार का आरएनए बने मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बने ऐसे जिनमें से सिर्फ एक ही आर एन ए है जो एक्चुअली ये मान लो मिलोइडी चुप कराना है मान लो ग्रीन कलर का ये एमआरएनए मुझे साइलेंस कराना है तुम इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझो ठीक है मुझे ये एम आर एन ए साइलेंस कराना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ये

जब ये डबल स्टैंडर्ड इसके आर एन इसकी बॉडी में चला गया तो ये समहाओ यहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं मतलब कि ये येलो वाला और ये व्हाइट वाला सेपरेट हो जाते हैं व्हाइट वाला यहाँ मतलब सेपरेट हो गया और येल्लो वाला यहां सेपरेट हो गया ना हो ये येल्लो वाला टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है पीसेस बन जाते हैं इसके ऐसे ऐसे एक पीस एक पीस एक पीस ऐसे एंड देन ये पीसेस जाके इसके ऊपर चिपक जाते हैं क्योंकि ये पीसेस इसके कॉम्प्लीमेंट्री हैं इस तरीके से यहाँ पे बाइंड कर लेते हैं ये और ये इसको डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं और इसका साइलेंसिंग कर देते हैं ये अब अपना प्रोटीन नहीं बना पाता समझ में आ गया नाउ क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे आर एन ए आई टेक्नोलॉजी पे आर एन ए इंटरफेरेंस पे कैसे आता है सोर्स ऑफ आर एन ए इंटरफेरेंस क्या है हम कहते हैं कि भैया एक सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए जाके इस पे बाइंड किया है लेकिन जब हम बोलते हैं सोर्स ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस क्या है तो इसका आंसर है डबल स्टैंडर्ड आरएनए क्योंकि शुरू तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हुआ था ना सोर्स ऑफ आरएनए आई क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए गया था ना इसकी बॉडी में तो कभी भी हम ये नहीं कहते कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से आरएनए इंटरफेरेंस हुई है अल्टीमेटली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से ही हुई है लेकिन जब स्टार्ट होता है तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है एक क्वेश्चन ये आता है दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कहां पे यूज हो रहा है आर तो आपको याद रखना है रूट क्या कहते हैं रूट नॉट ऑफ टोबैको को ठीक करने के लिए हमने किया है और कौन है हमारा जानी दुश्मन यहाँ पे इनकोग्निशिया ठीक है बीमारी कंफ्यूज नहीं करना है जैसे एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो कि हमारा एक वैक्टर बन जाता है आगे जाके टीआई प्लाज्मा डोस का वो जो बीमारी कॉज करता है क्राउन गॉल करता है ये रूट नॉट करता है तो दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाना एग्जाम में जाके देन ये जो आर एन ए बनाने के लिए जो हमने जीन्स डाले ये जीन यहां पे किसकी हेल्प से डालेंगे हम टोबैको में तो जनरली हम एग्रोबैक्टीरियम की हेल्प से डालते हैं एग्रोबैक्टीरियम का जो टीआई आई होता है डिसाउंड उसकी हेल्प से हम ये जीन डालते हैं ठीक है आउंड

these genes produce both sense and antisense RNA. Clear? आओ आगे रुको मैं पानी ले आऊ बहुत छोटू चैप्टर है यार एक घंटा भी नहीं लगेगा इसको खत्म करने में रुको <coughs> बहुत प्यारा सा चैप्टर है तो अभी तक तुमने एप्लीकेशंस और बायोटेक में क्या किया यू हैव जस्ट डन एग्रीकल्चर का एप्लीकेशन और एग्रीकल्चर के एप्लीकेशन में आपने सिर्फ किया अभी तक गोल्डन राइस ठीक है विटामिन ए से भरपूर आपने किया फ्लावर सेवर टोमेटो जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है फिर आपने किया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स तो पहला हमने किया बीटी कॉटन जिसने की बॉल वॉम्स को ख़त्म कर दिया और दूसरा हमने किया आर एन ए आर एन ए इंटरफेरेंस जिसने कि मिलोडिग इनकोग्निशिया को ख़त्म कर दिया नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन कि भैया लोगों का इलाज करना बीमारियों को ठीक करने में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है वर्ल्ड वाइड थर्टी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज बारह ऑफ विच आर बीइंग मार्केटेड इन इंडिया रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होते हैं उस प्रोटीन का जीन जहाँ से भी वो प्रोटीन बन रहा है वो जीन उस ऑर्गेनिज्म का नहीं है जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है वो जीन किसी और ऑर्गेनिज्म से आए मान लो मैं कोई प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही हूँ लेकिन मेरे अंदर वो जीन किसी और ऑर्गेनिज्म से आए तो उस प्रोटीन को हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहेंगे ऐसे थर्टी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन अप्रूव्ड हैं पूरी दुनिया में यूज होने के लिए और इंडिया में बारह हैं ठीक है ना हो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूमलिन भी कहते हैं ह्यूमन इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स में पहले जो इंसुलिन दी जाती थी वो बोवाइन इंसुलिन या पोर्काइन इंसुलिन थी बोवाइन मतलब काउ से मिली हुई पोर्काइन माने पिक से मिली हुई परंतु दिस इज नॉट वेरी गुड एक तो तुमने कितने ऑर्गेनिजम्स को मार दिया इंसुलिन के लिए ऊपर से फिर ह्यूमंस एलर्जिक होते हैं किसी और की इंसुलिन के लिए तो हमने सोचा क्यों ना हम अपना इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस कर लें हम ह्यूमन इंसुलिन का जीन काट के बैक्टीरिया के अंदर डाल दें तो बैक्टीरिया हमें प्रोटीन प्रोड्यूस करके दे देगा तो एक्चुअली ह्यूमन इंसुलिन का जो जीन होता है जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है एक सिंगल ऐसे बड़ा सा जीन होता है ठीक है जब वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है इंसुलिन प्रोटीन है ना उसको प्रोड्यूस करता है तो एक्चुअली वो कुछ ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसकी तीन चेन्स हैं ए पेप्टाइड सी पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड फिर ह्यूमन सेल क्या करता है जो जो हमारे पैंक्रियाज के सेल्स हैं बीटा सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस के वो क्या करते हैं दे कट दिस प्रो इंसुलिन एक प्रो इंसुलिन है उसको कट कर देते हैं यहां से और यहां से ठीक है और सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं नाउ दिस ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड आर ज्वाइंट बाई अवर सेल्स विद द हेल्प ऑफ डाईसल्फाइड लिंकेज ये भी एक पर नीट में क्वेश्चन आया था कि भैया इंसुलिन की दो चेन्स जो हैं वो कौन सी लिंकेज से जुड़ी हुई ये भी क्वेश्चन आया था कि ए में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं और बी में कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ये तुम्हारा होमवर्क है मैं नहीं बताऊंगी ये जो होमवर्क मैं दे रही हूँ वो होमवर्क जो बच्चा करके जाएगा वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सुखी रहेगा जो होमवर्क नहीं करके जाएगा नीट में बैठ के सोचोगे कि यार ये होमवर्क मैडम ने दिया था ठीक है आज ही हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी सीरीज हिंद टू का सीक्वेंस उसमें पूछा हुआ था मैंने कहा था होमवर्क दिया था कि हिंद टू का सीक्वेंस पता करके आना ठीक है सो ए पेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड्स हैं बी पेप्टाइड में कितने अमाइनो एसिड्स हैं ये तुम खुद देख के आओगे सो so, ऐसा होता है ह्यूमन सेल में अब दिक्कत ये आई कि जब हमने इसको ईक्लाई e के सेल में डाला हमने इसको ईक्लाई e के सेल में डाला ए ह्यूमन इंसुलिन का जीन तो ई कोलाई ने ये प्रोड्यूस कर दिया ए सी और बी पेप्टाइड लेकिन बिकॉज ई कोलाई इज अ प्रोकैरियोटिक सेल इट डज नॉट हैव द सेम इंजाइम्स एज अ यू क्रियोटिक सेल सो इट वॉज नॉट एबल टू कट इट एंड प्रोसेस इट टू फॉर्म अ फंक्शनल इंसुलिन तो ये तो बहुत दिक्कत हो गई फिर क्या हुआ 1983 में एली लिली नाम की कंपनी ने इसका सोल्यूशन निकाला उन्होंने क्या किया जो डीएनए का जीन इसको बना रहा था ए पेप्टाइड सी पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को उस जीन को ही काट दिया ठीक है जो पार्ट ए पेप्टाइड को बना रहा था डीएनए एन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए पेप्टाइड वो हमने अलग ईकोलाई e में डाल दिया जो पार्ट बी पेप्टाइड को बना रहा था दिस इज द डीएनए जो कि बी पेप्टाइड को बना रहा है उसको हमने अलग ईकोलाई e में डाल दिया वो पार्ट जो सी पेप्टाइड को बना रहा था उसको हमने कहीं पे भी नहीं डाला क्योंकि सी पेप्टाइड हमें चाहिए नहीं देन हमें यहाँ से ए पेप्टाइड मिल गई यहाँ से बी पेप्टाइड मिल गई जिसको हमने इकोलाई e से निकाल लिया और फिर लैब में इन दोनों को ज्वाइन कर दिया डबल ये डाइसल्फाइड लिंकेज से सो so, एली ने इन दोनों को निकाल के अपनी लैब में ज्वाइन कर लिया जिससे कि फंक्शनल ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमोलिन का प्रोडक्शन हुआ

फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज गिवन टू अयर ओल्ड गर्ल 1990 में दी गई थी मतलब आज से लगा लो तीस साल पहले की बात है जब मैं पैदा हुई थी तभी के आसपास की बात है <coughs> उस बच्ची के लिम्फोसाइट्स एडिनोसिन डी नाम का इंजाइम नहीं बना रहे थे वो इंजाइम कंप्लीट ओवरऑल इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम फंक्शन नहीं कर पाता उस इंजाइम के बिना दैट मीन्स उस बच्ची का जो बोन मैरो है वो खराब था है ना जेनेटिकली डिफेक्टेड था क्योंकि बोन मैरो से ही लिम्फोसाइड्स बनते हैं बोन मैरो से ही आरबीसी भी बनता है लिम्फोसाइड्स मतलब हर प्रकार का डब्ल्यू बनता है प्लेटलेट भी बनता है तो लिम्फोसाइड्स डिफेक्टिव बन रहे थे ड्यू टू डिफेक्टिव बोन मैरो ठीक है इंजाइम नहीं बन रहा था तो उस बच्ची के मरने की संभावना थी क्योंकि भैया डेथ I mean, की संभावना तो हो ही जाएगी जब इम्यूनिटी कम होगी तो सो फर्स्ट जीन थेरेपी में क्या किया गया आ... बच्ची के लिम्फोसाइट्स निकाल के पीट्री डिश में उगा लिए गए लैब में उगा लिए गए ठीक है इनमें एक बाहर से फंक्शनल एडीए जीन डाल दिया गया एक बिल्कुल अच्छा जीन ए डी ए का जीन डाल दिया गया इनमें और इनको फिर यहाँ से ग्रो कर लिया गया तो जब भी इसकी कॉपी बने तो वो अच्छे वाला जीन भी कॉपी हो जाए यहाँ पे है ना लिम्फोसाइड्स को उगा लिया गया लैब में फिर उस बच्ची को पीरियॉडिक इन्फ्यूजन दिया गया इन लिफोसाइड्स का इन लम्फोसाइड्स को उठा उठा के बच्ची की बॉडी में डाला गया अब जब तक ये लम्फोसाइड जिंदा है अच्छा खासा ए डी ए बन रहा है फिर जब वो लिम्फोसाइड्स मर गए बिकॉज लिम्फोसाइड्स की एक लाइफ स्पैन है ना उसके बाद खत्म हो गया फिर हमने और लिफोसाइड डाल दिया मीन वाइल लैब में हम उन लिम्फोसाइड्स को ग्रो करते रहे ठीक है दिस वॉज द फर्स्ट जीन थेरेपी दी जीन थेरेपीज बीमारी अगर जेनेटिक है तो आप बाहर से उसका जीन डाल दो अच्छे वाला खराब जीन आ गया मान लो आपको जेनेटिक्स से तो आप वहां से बाहर से अच्छा जीन डाल दो और उसकी बीमारी ठीक कर दो दिस इज जीन थेरेपी ठीक है जो बच्चे की बीमारी थी एडि, एडिनोसिन डीएमिनेस की डेफिशिएंसी उसे स्किड भी कहते हैं सीवियर कमाइंड इम्यूनो डिफिशेंसी डिसऑर्डर ठीक है जी अब और क्या अप्रोच uh, हो सकती हैं स्किड को ठीक करने की मान लो बच्ची का बोन मैरो ही ट्रांसप्लांट कर दो आप ऑल्टरनेट टेक्निक्स क्या हो सकती है आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो खराब बोन मैरो मत रखो अच्छा बोन मैरो डाल दो या इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बच्ची की बॉडी में इंजाइम डालते रहो पीरियोडिकली लिम्फोसाइट की जगह इन्जाइम डाल दो बट दीज आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव इवन जो जीन थेरेपी है वो भी कंप्लीटली क्यूरेटिव नहीं है क्योंकि आप लिम्फोसाइट्स आपको बार बार डालने पड़ रहे हैं ओनली कंप्लीट क्योर इज फंक्शनल ए डी ए जीन अगर डाल दो तुम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में मान लो ये बच्ची अभी जाइगॉट है और हमें पता चल गया कि इसको दिक्कत है तो तुम यहीं पे फंक्शनल जीन डाल लो अब जितना भी ये यू नो मल्टीप्लाई करेगा उसमें फंक्शनल जीन भी आएगा ये मोरूला बनेगा एट टू सिक्सटीन सेल स्टेज है ना उसमें सब में फंक्शनल जीन आ जाएगा फिर ये ब्लास्टूला बनेगा हंड्रेड्स ऑफ सेल्स फिर सब में जीन आ जाएगा फिर गैस्टूला बनेगा, बनेगा समझ लो ना दिस इज द ओनली कंप्लीटली क्योरेटिव अप्रोच कि एम्ब्रियोनिक स्टेट में जाके उसकी जीन थेरेपी करो अब एम्ब्रियनिक स्टेट में किसको पता था यार ऐसा हो जाएगा मॉलिकुलर डायग्नोसिस विच इज द लास्ट टॉपिक इन बायोटेक्नोलॉजी का यूज इन मेडिसिन इस टॉपिक से नी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में दो या तीन क्वेश्चन आए हुए हैं इस पूरे चैप्टर से जो ये नन्हा सा चैप्टर है इससे पांच क्वेश्चन आए थे मतलब फाइव फोर जो ट्वेंटी बीस मार्क्स यानी आपका सिलेक्शन होना ना होना इस चैप्टर पे डिपेंड कर सकता है इजीली अगर आप ये नहीं पढ़ते हो तो सो ध्यान से पढ़ लो मॉलिकुलर डायग्नोसिस क्या है जब आप एक बंदे के अंदर कोई बीमारी पनप रही होती है मान लो उसके अंदर कोई वायरस घुस गया कोई बैक्टीरिया घुस गया कुछ भी हो सकता है तो वो बीमारी हमें कब पता चलती है कि उस बंदे के अंदर है इट इज़ यू नो इनक्यूबेटिंग इन साइड द बॉडी वेन जब उसके सिम्टम्स दिखने लगते हैं है ना फिर आप दवाई देते हो आप जाते हो अरे बीमार हो गया जॉन्डिस पी लिया जो भी कुछ भी हो सकता है देन आप डॉक्टर के पास जाते हो देन आपको डॉक्टर मेडिसिन देता है लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हो, सक, हो जाती हैं कि जिनको आप अगर इतनी लेट डायग्नोसिस करोगे ना जैसे यूरिन टेस्ट से ब्लड टेस्ट से तब तक वो बात हाथ से निकल चुकी होगी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस इज सेट ऑफ टूल्स जो कि आपको अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प करता है ऑफ डिजीजेस अर्ली डिटेक्शन विद कन्वेंशनल मेथड्स इज नॉट पॉसिबल सीरम और यूरिन एनालिसिस में सो जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पैथोजन कैन बी एम्पलीफाइड यूजिंग अच्छा मैं इसके तरीके बता देती हूँ देखो सो so, पहला हमारा टारगेट क्या है यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ठीक है या म्यूटेशन का डिटेक्शन जैसे कि अर्ली डिटेक्शन में तुम्हें मैं एग्जाम्पल देती हूँ पी का पी सी आर कैन बी यूज फॉर अर्ली डिटेक्शन कैसे मान लो तुम्हें शक है किसी बंदे की बॉडी में एच आई वी का वायरस है लेकिन अभी एच आई वी का वायरस इतनी कम क्वांटिटी में है कि वो पकड़ में नहीं आ रहा किसी भी और टेक्निक से है ना देर मस्ट बी अ सर्टन क्वांटिटी उसको पकड़ने के लिए वो अपकड़ में नहीं आ रहा सो वॉट यू विल डू यू विल टेक दैट गाइज़ ब्लड सैम्पल उसका जितना भी जेनेटिक मटीरियल है सेपरेट कर लो अगर वायरस का जेनेटिक मटीरियल है उसमें तो वो भी सेपरेट आउट हो जाएगा आप उस जेनेटिक मटीरियल को मान के चलो कि है आप ऐसे मान के चलो भैया है तो अब आप उसको ग्रो करोगे पी सी आर में ग्रो करने के लिए क्या चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको प्राइमर चाहिए तो आप उसका कॉम्पलीमेंट्री प्राइमर भी डाल दो देन आपको न्यूक्लियोटाइड चाहिए आप न्यूक्लियोटाइड भी डाल दो देन आपको टैक पॉलीमेरेज चाहिए वो भी डाल दो देन पीसीआर की मशीन ऑन कर दो साइकिल चलेगा डी ए डी ए का है ना डीनेचुरेशन एन हीलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एन हीलिंग एक्सटेंशन का साइकिल चलेगा फिर उसको देखो आधे घंटे बाद अगर तो वो आर एन ए प्रेजेंट था उस ब्लड के अंदर तो उस आर एन ए की बहुत ज्यादा कॉपीज बन चुकी होंगी अभी तक पी सी आर से और ये तो आप इजीली पकड़ सकते हो वन बिलियन कॉपीज बन चुकी होंगी आधे घंटे में तो वन बिलियन कॉपीज बन जाती है ना पीसीआर से तो इट कैन बी इजीली डिटेक्टेड लेकिन अगर एच वायरस का आर या कोई भी जेनेटिक मटेरियल नहीं था तो ये नहीं बनेगा फिर कॉपी नहीं बनेगी उसकी समझ रहे हो? सो पीसीआर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसकी कॉपीज़ बनाने में हेल्प कर देगा अगर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी कॉपी कैसे बन जाएगी सो दिस इज हाउ पीसीआर विल हेल्प यू इन अर्ली डिटेक्शन ठीक है एनअर जो मतलब अर्ली डिटेक्शन में एक और चीज आप लोगों को एनसीआरटी में दी हुई है एलाइज़ा, एलाइसा फुल फॉर्म पता होना चाहिए पहली बात तो आपको इंजाइम लिंक्ड इनपे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी <coughs> सदरन ब्लॉट क्या होता है अरे मैंने बिंदी उतार दी अपनी ऐसे क्यों किया मैंने रुको सही लगी है टेढ़ी लग गई अब सही है इन पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी कि यू you नो know, सदन uh, ब्लॉटिंग क्या होती है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होती है हालांकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग तुम्हारे उसमें नहीं है पर स्टिल यू शुड नो थोड़ा थोड़ा सा है ना डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी बट दिस इज अ क्रैश कोर्स तो थोड़ा फास्ट कराना पड़ेगा मुझे इन्जाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बिटेसि जिसमें आप यूज करते हो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन का बस इतना ही बता सकती हूँ अभी मैं एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन का इसको डिटेल्ड के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगी एलाइजा की ठीक है छोटू सी प्यारी सी वीडियो बना दूंगी यह भी अर्ली डिटेक्शन में काम आता है पीसीआर और एलाइजा देन एक और मॉलिकुलर का टूल दिया हुआ है म्यूटेटेड जीन को कैसे ढूंढें हाउ टू फाइंड अटेंटी नीट 2021 में क्वेश्चन आया था इस इसलिए ध्यान से सुनेंगे जीन म्यूटेशन कैसे ढूंढूंगे आप क्या करेंगे आप पहले डीएनए लेंगे इसमें आपका वो जीन है जो कि आपको चेक करना है कि म्यूटेटेड है या नहीं ये येलो कलर में दिस इज द जीन विच यू वॉन्ट टू नो इट इज म्यूटेटेड और नॉट पहले तो इसको रिस्ट्रिक्शन इंड्रोन्यूक्लियस से काट लो टुकड़े कट जाएंगे इसके देन इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा सेपरेशन हो जाएगा डीएनए के टुकड़ों का ऐसे से कर ऐसे करके ऐसे करके सेपरेशन हो जाएगा ठीक है मान लो तुम्हारा ये जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में रह गया ये नॉर्मल जीन्स है मान लो ये सेकंड नंबर पे तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है बाकी तुम्हारे नॉर्मल जीन्स है ये जो, ये वाले ये येलो वाला तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये येलो वाला तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है ये सीक्वेंस आ गया तुम्हारे पास अब ऐसा का ऐसा सीक्वेंस ये एक आ, कौन सी नाइट्रोसेलुलस मेम्ब्रेन पे ऐसे ले लो जैसे हम रोटी नहीं उलटते किसी और उसमें ऐसे नाइट्रोसेलुलोज की शीट लो और उसके ऊपर चिपका के इसको ऐसे पलट लो नाइट्रोसेलोज की शीट पे ये चिपक जाता है डीएनए तो नाइट्रो सेलुलोस शीट ले लो और ये डीएनए ऐसा का ऐसा इस पर आ गया अभी ऐसा क्या ऐसा इस पे आ गया इसी को ब्लॉटिंग कहते हैं बेटा दिस इज व्हाट ब्लॉटिंग इज ठीक है ट्रांसफर करना डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से किसी और शीट पे इसी को ब्लॉटिंग कहते हैं ठीक है नाइट्रोसेलर शीट पे आ गया अब क्या करो इसमें प्रोब डालो प्रोब व्हाट इज अ प्रोब ये भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं दिस रेडियो एक्टिव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एंड आरएनए इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द जीन दैट जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि म्यूटेशन है कि नहीं कॉम्प्लीमेंट्री टू आवर जीन जिसको हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ये प्रोब उसके कॉम्प्लीमेंट्री है प्रोब डाल लो मान लो ये प्रोब है ग्रीन कलर में वो डाल लो नाउ ये प्रोब मान लो ये जीन म्यूटेटेड है मान लो ये जीन म्यूटेटेड है तो इस पर जुड़ नहीं पाएगा ये प्रोब बेचारा यहीं पड़ा रहेगा इस पर जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि म्यूटेशन से इनके पूरी बॉन्ड अगर म्यूटेट हो गया तो इसके यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया ना यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गया तो अगर सीक्वेंस चेंज हो गया तो फिर ये नहीं जुड़ पा रहा है इस पर तो ये प्रोब नहीं जुड़ पाएगा इफ जीन इज म्यूटेटेड probe will not be able to attach ठीक है अगर जीन म्यूटेटेड नहीं है अगर ये नॉर्मल जीन है तो प्रोब इस पे अटैच हो जाएगा नाउ अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोब अटैच हुआ या नहीं हुआ देर इज अ टेक्निक कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी जिससे कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि प्रोब क्योंकि बिकॉज प्रोब इज रेडियो एक्टिव तो वो ऑटो रेडियोग्राफी में चमकेगा तो ऑटो रेडियोग्राफी करके यू विल बी वेरी इजली एबल टू सी वेदर द प्रोब हैज अटैच्ड और नॉट सो इफ प्रोब हैज ये क्वेश्चन आ सकता है ना इसे कि अगर प्रोब अटैच हो गया है तो जीन में म्यूटेशन थी या नहीं थी नहीं थी अगर प्रोब नहीं अटैच हो पाया क्यों क्योंकि ये बिगड़ गया है ना मादा लाडला बिगड़ चुका है तो कैसे अटैच हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा म्यूटेटेड है तो ये बेचारा प्रोब गिर गया नीचे क्या ही करेगा बेचारा कैसे अटैच होगा तू वो रहा ही नहीं जिससे मैं मिलने आई थी तू वो रहा ही नहीं क्या करूं म्यूटेशन ही बहुत है जिंदगी में मादा लाडला बिगड़ चुका है तो ये चली जाएगी बेचारी प्रॉब्लम ठीक है सो म्यूटेटेड पे नहीं चिपकेगा वो आप देख सकते हो ऑटो रेडियोग्राफी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्लियर हो गया रितू मैम आप डेली आते हो मैम आई थिंक यू नीड सम एनर्जी कहाँ रहेगी तुम लोग कोई बड़ा मेरे एनर्जी से दिक्कत है मुझे पता है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में पता है मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में भाड़ में गई एनर्जी मेरे को तुम्हारा क्रैश कोर्स कराना है और तुम लोगों को नीट में सेलेक्ट कराना है दो में मेरे को 360 नंबर चाहिए भाड़ में गई एनर्जी एनर्जी गई भाड़ में चाहिए नहीं एनर्जी हमें एनर्जी चाहिए नहीं पढ़ाने के लिए हम ऐसे पढ़ लेंगे देखो ऐसे बच्चे चाहिए मुझे रितु मैम इज ट्रूली लेजेंड ऑफ बायो थैंक यू मैम बिकॉज ऑफ यू आई गॉट नाइन्टी सिक्स आउट ऑफ हंड्रेड इन ट्वेल्थ यू आर जस्ट टू हेल्पफुल ऐसे बच्चे चाहिए मुझे भले ही झूठ लिख दिया करो लिखो कमेंट्स में मुझे खुशी होती है यार जान के यहाँ बच्चों के नाइनटी सिक्स नंबर आ रहे हैं बताओ रितु मैम की वन शॉट सीरीज कब शुरू हुई मुझे पता ही नहीं चला तुझे क्यों नहीं पता चला मयूर पाटिल ए सच में झूठ नहीं लिखना है आई स्कोर थ्री ट्वेंटी बिकॉज ऑफ यू सच लिखो यार ऐसे मजाक थी झूठ थोड़े भी लिखना होता है अच्छा थ्री थ्री ट्वेंटी स्कोर किए सही में थ्री सिक्सटी में से अच्छा चलो फिर ठीक है अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है मेरे को याद रह गया था कि थ्री ट्वेंटी का ही पेपर है चलो आ जाओ पढ़ लें ये दिल अटक गया है हम्म तो पीसीआर कैसे यूज किया अर्ली डिटेक्शन में रूटीनली यूज टू डिटेक्ट एच आईवी इन एड टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशंस कैंसर जीन जो प्रोटो जीन है वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है तो मेथड वही है जो मैंने पढ़ाया है प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो मटीरियल इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए विच इज सस्पेक्टिव और सस्पेक्टेड ऑफ म्यूटेशन

ट्रांसजेनिक एनिमल्स ये तो मैं तुम्हें मैं एनसीआरटी से पढ़ा देती हूँ ठीक है एनिमल्स को ट्रांसजेनिक क्यों बनाया जाता है ठीक है पहली बात तो ये भी क्वेश्चन आया था कि भैया इस दुनिया में जितने ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें से 95 परसेंट जो है वो माइस हैं, इनका ध्यान रखेंगे वैसे तो बहुत सारे बने हैं ट्रांसजेनिक रैट्स बना है रैबिट बना है पिग बना है शीप बना है काव बना है ठीक है लेकिन जो फाइव परसेंट ऑर्गेनिजम्स है वो माइस है आओ इसको एनसीआरटी से पढ़ते हैं ये दिल अटक गया है एनसीआरटी ओपन करेंगे पेज नंबर मुझे नहीं पता खुद से देखेंगे ठीक है नाउ फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को दे रहे फाइव पॉइंट्स कि क्यों हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स को बना रहे हैं एनिमल्स को बना रहे हैं ठीक है पहला पॉइंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइनड टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड इट्स डेवलपमेंट स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ग्रोथ सच इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर

अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक जीन का एक ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में क्या रोल है ठीक है तो इस जीन का क्या रोल है ये कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा तो बेसिकली मुझे जानना है कि इस प्रोडक्ट का क्या रोल है जो इस प्रोडक्ट का रोल है जीन का जो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट का रोल है वही तो जीन का रोल है ना तो मैं देख लेती हूँ मान लो ये पर्टिकुलर जीन एक प्रोडक्ट बना रहा है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर मुझे नहीं पता ये क्या कर रहा है बॉडी में मान लो ई विल टेक अउस माउस इज अमल जैसे कि ह्यूमन है तो इसकी बॉडी में ऑलमोस्ट सेमी केमिकल्स होते हैं जो मेरी बॉडी में है तो इसके भी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बनता होगा नाउ लेट मी मेक दिस माउस ट्रांसजेनिक कैसे आई विल इंट्रोड्यूस अ सर्टन जीन इन टू दिस माउस जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की प्रोडक्शन -like को बंद कर देता है मान लो इसको बनने से बंद कर देता है अब ये ट्रांसजेनिक माउस हो गया अब इस माउस की बॉडी पे कुछ इफेक्ट आएंगे है ना कुछ चेंजेस आएंगे मान लो इसकी ग्रोथ कम हो गई कुछ दिक्कत हो गई है ना तो जो चेंजेस आएंगे अब उस मुझे उससे पता चल जाएगा कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या करता था है ना जैसे कि मान लो मुझे नहीं पता कि इंसुलिन का फंक्शन क्या है मैमल्स की बॉडी में तो मैं क्या करूंगी एक माउस को लूँगी क्योंकि इंसुलिन तो माउस की बॉडी में भी बनता है ना ह्यूमन में तो कौन करने देगा मुझे कि लाओ तुम्हारा इंसुलिन खत्म करके देखो तुम्हारे साथ क्या होगा जेल हो जाएगी मुझे है ना क्योंकि हम अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं कि ह्यूमन नहीं मरना चाहिए सारे माइस मुंस मार डालो ह्यूमन नहीं मरना चाहिए ठीक है तो माइस लेंगे हम मैं एक ऐसा जीन डाल दूंगी इस माउस में जिससे कि इसकी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद हो जाएगी इंसुलिन प्रोडक्शन बंद होगी माउस की तो अब इसको डायबिटीज़ हो गया मैंने देखा कि भैया इसका ब्लड शुगर तो बढ़ गया तो मैंने कहा अच्छा ये जो जीन था जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था वो बेसिकली ब्लड शुगर को रेगुलेट करता था मैं तो मर गया ना तुम्हारी वजह से तो ये कोई हम तेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन हमें ये तो पता चला ना कि तेरा जो इंसुलिन वाला जीन है वो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है दिस इज हाउ वाई वी मेक ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट स्टडी ऑफ डिजीज इसमें क्या करोगे आप एक माउस लोगे उसमें कोई डिजीज कॉज कर दोगे पहले ठीक है जैसे मान लो आपने इसमें आर्थराइटिस कॉज कर दी नाउ उस डिजीज उस डिजीज के ऊपर तुम दो चीजें कर सकते हो अपनी ड्रग्स टेस्ट कर लो अब इसके ऊपर कि क्या ये ड्रग आर्थराइटिस में इफेक्टिव है चलो देखते हैं अरे पहले इस माउथस को आर्थराइटिक तो करो आर्थराइटिक तो करो आर्थराइटिस कर दो इसको ट्रांसजेनिक करके आर्थराइटिस कर सकते हो तुम इसको है ना लो जी दवाई डाल के एक तो तुम अपनी मेडिसिन टेस्टिंग कर सकते हो दूसरा यू कैन रियली सी द इफेक्ट ऑफ जीन्स ऑन दिस डिजीज हमारी बॉडी के जीन्स उस डिजीज को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं आप वो भी देख सकते हो मान लो कोई ए जीन है ए जीन का आर्थराइटिस पे क्या फर्क है मैं ए जीन का फंक्शन बंद कर देती हूँ उसको ट्रांसजेनिक बना देती हूँ दोबारा से ए जीन का फंक्शन बंद कर दिया अब देखो आर्थराइटिस आर्थराइटिस बढ़ा या घटा समझ मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डायग्नोज टू इंक्रीज आर 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 डिजाइंड जैसे वो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं कि उनको डिजाइन कर लो है ना टू इंक्रीज अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज These are specifically made to serve as models for human diseases so that investigation of new treatment for diseases is made. Today, transgenic models exist for many human diseases such as cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer. So much you point know, tha to study the effect of normal genes into, you know uh, in uh, the normal physiology. Second is the study of effect of normal genes. इन अ डिजीज डिजीज में क्या रोल है जीन्स का क्लियर तीसरा जो कि मुझे पर्सनली इतना बुरा नहीं लगता बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आप एनिमल्स की बॉडी में कुछ जीन डाल के कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकलवा सकते हो जैसा कि पहला एग्जाम्पल है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सन ये ध्यान ध्यान रखना ये एम्फिजमा जो तुमने सिगरेट पीपी के एम्फिजमा किया है अपने को उसको ट्रीट करने में हेल्प करता है ये प्रोटीन पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काओ बनाई गई रोजी उसके मिल्क में एक प्रोटीन मिलता था अल्फ़ा लैक्टल ब्यूमिन कितना मिलता था 2.4 पॉइंट ग्राम्स पर लीटर ठीक है विच वॉज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काओ मिल्क तो दैट इज नॉट वेरी बैड है ना तुमने काओ को मतलब मुझे तो लगता है नहीं है बाकी पता नहीं काओ को जीन डाल दो ठीक है अल्फा लेक्टल ब्यूमिन का तो ज्यादा एल्फाइलेक्टिव प्रोड्यूस करने लगी 2.4 ग्राम्स पर लीटर प्रोड्यूस करने लगी तो अब ये मिल्क जो ह्यूमन बेबीज के लिए वो मोर बैलेंस्ड फूड है 1997 में हुआ था पहली का वैक्सीन सेफ्टी, सेफ्टी ये दोनों सेम, सेम से ही पॉइंट्स हैं आप एक एनिमल लो नाइनटी फाइव परसेंट ऑफ ऑल ट्रांसजेनिक एनिमल्स माइस तभी माइस ही बनाती हूँ आपको ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन टेस्ट करनी है जैसे मान लो आपने कोरोना के लिए कोई वैक्सीन टेस्ट करनी है ठीक है तो आप पहले माउस पे टेस्ट करो तो तुम बोलो मैडम इसको ट्रांसजेनिक तो बनाया नहीं बेटा पहले उस वैक्सीन के लिए इसको सेंसिटिव करो सेंसिटिव कैसे करोगे यू टेक अ जीन विल मेक दिस माउस इवन मोर सेंसिटिव फॉर द वैक्सीन मतलब इसमें अब एलर्जिक कंडीशन या कोई भी दिक्कत होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई देन यू गिव हिम द वैक्सीन फिर देखो अगर इतना सेंसिटिव होने के बाद भी वैक्सीन ने इसमें कोई रिएक्शन नहीं किया दैट वैक्सीन इज सेफ फॉर द किंग्स द ह्यूमन्स लेकिन अगर यू you नो know, इसमें कोई दिक्कत आ गई फिर वैक्सीन को और इम्प्रूव करो सिमिलरली ऐसे ही केमिकल टेस्टिंग ठीक है तुम्हें तो कोई लिपस्टिक टेस्ट करनी है तो पहले चूहे को लिपस्टिक के लिए और सेंसिटिव करो कर दो लिपस्टिक से एलर्जी होने के लिए ट्रांसजेनिक बना के फिर इसके होंटों पे लिपस्टिक लगा के देख लो ठीक है देखो एलर्जी होती है नहीं होती है दोनों पॉइंट्स में यही है ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी फॉर वैक्सीन बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमन ट्रांसजेनिक माइस आर बींग यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन ओके It is successful and if found successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety. Ah, monkeys mm. Chemical safety testing, this is known as toxicity or safety testing. The procedure is the same kind as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals are made to carry genes which make them more sensitive to toxic substances than non-target organism, non organisms, non-transgenic organisms. दे आर देन एक्सपोज टू टॉक्सिक सबस्टेंसेज एंड द इफेक्ट आर results in less time. हम अपना time भी तो बचाना चाह रहे हैं वही points है जो भी बताए मैंने अब यहां से क्या ही पढ़ना है ना बस एथिकल इश्यूज पहला जीई एसी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इसका फुल फॉर्म आ गया था दिस इज अ क्या दिस इज अ कमिटी सेटअप बाय इंडियन गवर्नमेंट आप कौन सी चीज़ पे रिसर्च कर सकते हो कौन सी पे नहीं कर सकते मतलब जेनेटिकली मॉडिफाई करने के लिए ऑर्गेनिजम्स को आपको इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले ये नहीं कि मैं ह्यूमंस को बैटमैन में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ या मैं ह्यूमंस को चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन की तरह उनकी उंगलियों से वो निकले तारे निकले तो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ स्पाइडर जीन इन टू ह्यूमन बॉडी जी ई एस विल नॉट गिव यू द अप्रूवल बिलीव मी डोंट इवन ट्राई इट ठीक है एवरी रिसर्च डैट यू वॉन्ट टू डू इन यू नो मेकिंग री कॉम्बिनेट डी एन एंड इंट्रोड्यूसिंगज डी एन एन टू समी एल्स यू हैव टू टेक अप्रूवल इसका फुल फॉर्म आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी ठीक है ना अब आपको कुछ चीजें पढ़नी है बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी पढ़नी है बायो पेटेंटिंग है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन पेटेंट ले लें कि ये मैंने नया कोई प्रोडक्ट डिस्कवर किया है अब इसे कोई और यूज नहीं कर सकता या मैंने कोई प्रोसेस डिस्कवर किया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए नया प्रोसेस तो उस प्रोसेस को कोई यूज़ नहीं कर सकता इसे बायो पेटेंट कहते हैं ठीक है बायो पेटेंट की दिक्कत यह है कि ऐसी ऐसी चीज़ों के पेटेंट हो रहे हैं लोग अमेरिका में जाके पेटेंट ले लेते हैं जो चीज़ इंडिया में ऑलरेडी यूज़ हो रही है या जो कंट्रीज यू नो दे आर रिच इन दिस वेल्थ जो नेचुरल uh, रिसोर्स की वेल्थ होती है जैसे बासमती पे पेटेंट पे लेने की कोशिश करी किसी अमेरिकन कंपनी ने फिर हमने बताया भैया बासमती तो हमारे इसमें इतनी यूज़ होती है है ना नीम पे पेटेंट पे लेने की कोशिश करी टर्मरिक और नीम की जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उन पर पे पेटेंट पे लेने कोई पागल हो क्या हम लोग तो कब से यूज़ कर रहे हैं सो ये दिस इज़ बायो पेटेंट ठीक है सिविल कंपनीज डेवलप्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ आर बींग ग्रांटेड बायो पेटेंट्स फॉर प्रोडक्ट्स दैट पीपल ऑफ़ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैव बीन यूजिंग सिंस टाइम इमेमोरियल हमारे पास दो लाख वैरायटी हैं राइस की एंड ट्वेंटी सेवन वेराइटीज उसमें से बासमती की हैं। इन नाइनटीन सेवन उसी ईयर में जब रोजी काओ बनी थी लोगों को ज्यादा ही जोश आ गया था एंड अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट्स ऑन बासमती राइस ठीक है फिर वो रिवर्सल हुआ था पेटेंट का देन हैव बीन मेड टू पेटेंट मेडिसिन हर्ब्स इन इंडिया जैसे कि टर्मरिक एंड नीम बायो पायरेसी क्या होती है बायो पायरेसी होती है आप किसी नेटिव कंट्री की कोई नेचुरल वेल्थ जैसे मान लो मैं कोई मल्टी क्या बोलते हैं मल्टी नेशनल कंपनी हूँ ठीक है मैं जाती हूँ किसी घने जंगल में ब्राज़ील के वहाँ पे मुझे कोई इकोनॉमिकल यूजफुल पौधा मिलता है मैं वहाँ से प्रोडक्ट ले लेती हूँ और फिर मैं उसको पूरी दुनिया में बेचती हूँ एंड आई आई अर्न मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स बट मैं उन वो नेटिव लोगों से जिनका मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ आई डू नॉट गिव देम एनी शेयर ऑफ माई प्रॉफिट दिस इज बायो पायरेसी थोड़ा बहुत सा पैसा देके मैं उनसे ले आती हूँ सामान और फिर मैं मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स कमाती हूँ मान लो मुझे कोई ऐसी हर्ब मिल जाए जिससे औरतों की स्किन बिल्कुल रिंकल फ्री हो जाएगी और वो हर्ब सिर्फ मान लो ब्राज़ीलियन जंगल में मिलती है अब मैं ब्राज़ील के लोगों को बताऊँ ही ना कि मैं इससे इतनी महंगी क्रीम बनाने वाली हूँ ठीक है और उनसे बस कौड़ियों के भाव वो हर्ब लेके आ जाऊँ मैं

ये फोटोज देख लो जरा फोटो पे पूछने का क्वेश्चन क्या है ये कॉटन बॉल डिस्ट्रॉयड बाय बॉल वॉर्म एंड अ फुली मेच्योर कॉटन बॉल ठीक है ऐसा कुछ क्वेश्चन डाल सकता है कि बताओ इसको कैसे रोका जा सकता है इस सिचुएशन को कैसे रोका जा सकता है भैया बी टी कॉटन बना दो कुछ ऐसा सा मतलब यू शुड ऑलवेज अ गुड लुक एट द डायग्राम्स ऑफ अ चैप्टर ये बताओ ये यू you नो know? आर एन आई आर एन ए आई से पहले जो रूट नॉट बने हुए हैं यहां पे, ठीक है ये आर एन ए आई के बाद सारे रूट नॉट समाप्त हो गए ठीक है देन ये वाली फोटो मार्क करने को आ सकती है बताओ ये कौन सा पेप्टाइड है 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 चलो क्वेश्चंस करोगे क्वेश्चंस करोगे आओ 2020 में आए थे ये क्वेश्चन बी टी कॉटन वेराइटी दैट वॉज डेवलप बाई इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन जीन ऑफ बैसिलस थेजेनिस इज रेजिस्टेंट टू किसके लिए रेजिस्टेंट है ये इंसेक्ट पेस्ट फंगल डिजीजेस प्लांट निमेटोर्स इंसेक्ट प्रीडेटर्स बोलो क्या लिखो 2021 में पांच क्वेश्चन आए थे इसमें वो भी करा रही हूँ। इंसेक्ट पेस्ट ठीक है जी कॉटन बॉलवोम इज ए इंसेक्ट पेस्ट कॉर्न बोर बोरर ये सब इंसेक्ट पेस्ट्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया था व्हाट ट्रिगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटॉक्सिन टू एक्टिव टॉक्सिन ऑफ बैसिलस क्यूरिनजेनेसिस इन बॉलवॉम क्या भैया इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है बता दो ना इन एक्टिव टॉक्सिन को एक्टिव किस में कौन चीज कन्वर्ट कर देती है बताओ ना भूलना नहीं है इन बातों को यही बातें तो याद आती है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस 2019 का क्वेश्चन है इट हैज येलो ग्रेन बिकॉज ऑफ जीन इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ प्रिमेटिव वेराइटी ऑफ राइस इट इज वाइटमिन ए इनरेस्ट विद डेफोडिल इट इज बेस्ट रेजिस्टेंट विदिल इट इज डॉट टॉलरेंट डेवलप यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम दिस वॉज लिटल बिट आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस था यह हल्का सा आपको यह तो पता है कि जो गोल्डन राइस है वो वाइटमिन ए इंडस्ड होता है येलो ग्रेन्स होते हैं तो हमें पता है ये तो आंसर है ही नहीं पर अपा को इसमें दिक्कत हो गई थी कि यार ये जीन आया तो आया कहाँ से तो जीन एक्चुअली केम फ्रॉम डेफोडिल तो मैं अच्छा इस चीज़ को रेकमेंड करूंगी इस चैप्टर में यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं कुछ चैप्टर्स हैं जिनके पी वाई क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे लास्ट थर्टी थ्री ईयर्स के कर जाओ थर्टी थ्री ईयर्स के पी वाई क्यू कर जाओ जैसे कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़ा रैंडम से क्वेश्चन आ जाते हैं ठीक है जो डायरेक्टली एनसीआरटी में नहीं दिया वो भी आ जाते हैं ठीक है सो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के थर्टी थ्री इस के पीवाई क्यू करके जाओ बायोटेक अच्छे से पीवाई क्यू करके जाओ ठीक है आगे चलेंगे इन आर एन ए आई दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है जीन्स आर साइलेंस्ड यूजिंग जीन्स कैसे साइलेंस होते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन आता है कि आरएनए इंटरफेरेंस कहां से होती है कहां से शुरू होती है डबल स्टैंड तुम कहोगे मैम साइलेंस तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होता है ना साइलेंस तो बेटा मैं समझती हो तुम्हारे दिल का दुख तुम्हें लगता है कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से होगा बट आंसर एनसीईआरटी की लाइन है दिस इज अ लाइन ऑफ एनसीईआरटी ठीक है कहो तो मैं दिखा दूं लाओ दिखाई देते हैं

घुस गया था बताओ मैम सर्कुलेटरी सिस्टम के नोट्स अभी बने नहीं थे अभी तो मेरे को इनके बनाने हैं बेसिकली इन दोनों चैप्टर्स के टेस्ट में बनाऊंगी आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आर आई टी यू आर ए A एल ऋतु रतेवाल करके टेलीग्राम है टेलीग्राम तो पक्का ही ज्वाइन कर लो क्योंकि जो मेरा वो होएगा ना जो मेरे टेस्ट होंगे उनका मैं आपको लिंक वहीं पे ही भेज पाऊंगी तो इन दोनों ही चैप्टर्स के टेस्ट बनेंगे मुश्किल वाले और फिर मैं तुम लोगों को जल्दी मेरे को टेस्ट बनाने हैं सबसे पहले उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम कराऊंगी हम्म आगे चलेंगे 2016 का क्वेश्चन था ये 2015 गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वे आर इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर यार कितनी बार क्वेश्चन करेंगे हम यही बताओ मैम आई हैव अ क्वेश्चन व्हाई इंसुलिन इज नॉट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनिमल बिकॉज पहली बात तो क्रुएल्टी है उसकी पैंक्रियाज में से आप इंसुलिन निकाल रहे हो ठीक है और वो एलर्जिक होता है जो वाली इंसुलिन होती है जो एनिमल से निकालते हैं एलर्जिक है वो आगे चलेंगे इन बीटी टॉक्सिन ठीक है ठीक है ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसका आंसर एल्कलाइन पी क्वेश्चन है ग्लायोफोसेट आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू ये भी इट वॉज आउट ऑफ सिलेबस क्रॉप्स इंजीनियर्ड फॉर ग्लायोफोज आर रेजिस्टेंट टॉलरेंट टू हरबी साइड ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था नेक्स्ट टॉपिक दिखाती हूं तुम्हें इसका यह क्वेश्चन करो तू यह क्वेश्चन करो एक बार द बैकऑफ प्लांट्स रेजिस्टेंट टू ए नेमेटोड हैव बीन डेवेलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूस दो हजार बारह का क्वेश्चन है बोलो जल्दी बोलो ट्वेल्व लिख के आंसर करो आगे मैं वेट कर रही हूं मैम एनसीआरटी क्वेश्चंस करने से बोर्ड में पास हो जाएंगे क्या नहीं बेटा सिर्फ एनसीआरटी क्वेश्चन करने से बोर्ड में पास नहीं होंगे जो लेक्चर्स हैं वो तो लगाने पड़ेंगे और अगर तुम्हें बोर्ड में पास होना है पास्ट टेन ईयर टेन ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो ले आओ एक बार उनके क्वेश्चन सारे कर जाओ पहली बात तो और चैप्टर पढ़ लो बिना चैप्टर पढ़े मत चले जाना बहुत सेंस एंड एंटी सेंस ये मैं चाहती हूँ तुम लोगों को दिमाग में बैठे इसलिए क्वेश्चन कराया है आगे चले ये 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 नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं चाहिए, 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 चाहिए। मेडिसिन में में यहाँ से क्वेश्चन आए थे ट्वेंटी ट्वेंटी वन का क्वेश्चन है When gene जीन टारगेटिंग gene जीन is इज in एन इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिजीज इट इज known ये क्या क्वेश्चन बना When जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्प्लीफिकेशन

वेन जीन को टारगेट किया गया है एंडिट इन्वॉल्व जीन एम्प्लीफिकेशन पहले जीन को एम्प्लीफाई कर लो इन एन इज अटेम्प्टेड इन एन इंडिविजुअल टिश्यू फिर इसको इंडिविजुअल के टिश्यू में डाल दो तो ट्रीट डिजीज दे तो मेरे को साफ भी पता चल रहा है कि ट्रीट डिजीज़ जहाँ पे आ गया दैट इज जीन थेरेपी ये सेफ्टी टेस्टिंग डिजीज को ट्रीट करने के लिए नहीं है है ना बायोपायरेसी मोलिकुलर डायग्नोसिस मॉलिकुलर डायग्नोसिस से कभी आप डिजीज को ट्रीट नहीं करते आप डिजीज को फाइंड करते हो है ना और आप कभी भी इंडिविजुअल के टिश्यू में नहीं कर देते मोलिकुलर डायग्नोसिस जाके वो तो लैब में होता है सो so, इसका ऑब्वियस आंसर है बट क्वेश्चन इतना अच्छा नहीं है आई डोंट लाइक द क्वेश्चन नाउ डेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउिंग रेडियो एक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डी होना चाहिए यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी बिकॉज नीट ट्वेंटी अभी मैंने तुमको समझाया है पढ़ो और आंसर दो देखो आदित्य गंदी लैंग्वेज आती है चैप्टर्स में ठीक है क्वेश्चन में भी आती है द थिंग इज आपको उसमें से कुछ की ढूंढने होते हैं अपने आंसर के लिए गंदे क्वेश्चन को छोड़ो तुम्हें कुछ की दिख रहा है ना टू ट्रीट डिजीज इंडिविजुअल टिश्यू के अंदर वहीं से जीन थेरेपी आंसर आ गया लाओ देखें म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ऑन फोटोग्राफिक प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है जब आप ऑटो रेडियोग्राफी करते हो ना तो फोटोग्राफिक प्लेट पे निशान आ जाता है जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जहाँ पे लगा होता है ना उस पर ऐसे ब्लैक कलर का स्पॉट आ जाता है वहाँ पे ठीक है एज द प्रोब हैज कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद इट म्यूटेटेड जीन पार्शली अपीयर्स अरे यार म्यूटेटेड जीन कभी नहीं अपेयर होगा ऑटो रेडियोग्राफी में क्योंकि म्यूटेटेड जीन के ऊपर प्रोब लगेगा ही नहीं अगर प्रोब नहीं लगेगा तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर निशान ही नहीं आएगा ब्लैक कलर का है ना निशान नहीं आएगा ना तो म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर प्रोब कभी कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती नहीं प्रोब की उसके साथ म्यूटेटेड जीन पार्शली अपेयर पागल है क्या म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपेयर्स नहीं रे म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपियर ज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद इट प्रोब चिपकता नहीं ना उसके साथ तो कभी भी दिखेगा नहीं फोटोग्राफिक प्लेट पे नेक्स्ट दो हजार इक्कीस फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल डायग्नोस्टिक टेक्नीस इज यूज इन अर्ली डिटेक्शन अर्ली डिटेक्शन कहाँ से पड़ी हमने अभी अर्ली डिटेक्शन कहाँ से पढ़ी हमने अभी एलाइजा पढ़ी है पीसीआर और एलाइजा पड़ी थी अर्ली डिटेक्शन में अरे यार नहीं 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 <laughs> गलत है गलत है गलत है कुछ गलत है एल एल आई आई सॉरी कुछ और दिमाग में चल गया था मेरे विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन ये 2021 में आया था सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन

एडीनोसिन टू एसी से क्या होता है मैम ने हमें बायो से प्यार करना सिखा दिया भैया बायो बहुत ज्यादा प्यारी है बायो से प्यार करना मैं क्या सिखाऊंगी तुम्हें बायो बहुत ज्यादा प्यारी है बायो पे सबको वैसे ही प्यार आ जाएगा बताओ एडीनोसिन डीएमए इज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन टू डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम है ना या कि आंसर होता तो स्किड्स भी दे सकते थे हम लोग आंसर मैम प्लीज एनीवन टेल मी कैन आई क्रैक नीट फ्रॉम नाउ ऑन इज पॉसिबल क्या बताएं इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को दिख रहा है इसमें कुछ भी दिख तो रहा है थोड़ा अपने क्वालिटी हाई कर लो 2020 का क्वेश्चन है आई थिंक ये चलो मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ये बी टी कॉटन है दिस इज बी टी कॉटन ठीक है बी टी कॉटन को हम मैच कहां करेंगे जीन थेरेपी से बिल्कुल भी नहीं सेलुलर डिफेंस से बिल्कुल भी नहीं डिटेक्शन ऑफ एचआईवी से बिल्कुल भी नहीं बैसिलस थेजी से कर देंगे दिस इज एडीए डेफिशियंसी एडी डेफिशियंसि को हम जीन थेरेपी से कर देंगे आर एन ए इंटरफेरेंस इज अ सेलुलर डिफेंस इन ऑलमोस्ट ऑल यू के रियॉर्ड्स पीसीआर डिटेक्शन ऑफ एच आई वी के लिए यूज हो सकता है बना लो क्लियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट नी ट्वेंटी ट्वेंटी इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज प्रो इंसुलिन द प्रो इंसुलज एन एक्स्ट्रा अभी तो क्वेश्चन किया है प्रो इंसुलज एन एक्स्ट्रा पैप्टाइड इंसुलिन हाइड्रोजन बॉन्ड मिल गई गलती जेनेटिकली इंजनेड इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड इन इक्वलाई क्या ढूंढना था नॉट करेक्ट ढूंढना था भैया नॉट करेक्ट ढूंढना जहां पर जब तुम नीट का व्यापार करोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे नॉट करेक्ट इन करेक्ट इनको मार्क करोगे या करेक्ट मार्क करोगे मार्क करोगे, नहीं तो आंसर गलत होने के बहुत ज्यादा संभावनाएं पड़ जाएंगी तो तुम्हें एक ये वीडियो बनानी पड़ेगी कि क्वेश्चन पेपर कैसे अटैम्प्ट करें आओ 2016 व्हाट काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन नाइनटीन नाइनटी टू अयर ओल्ड गर्ल विदेफिशी जी इन आगे चलो आर हजार सोलह टू मैंने कहा था ना इट्स फिर अगले सेक्शन पे चलेंगे ये कंप्लीट करो एन टी पढ़ने और के क्वेश्चन करने से पास हो जाएंगे हाँ पास हो जाओगे फैज लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हें क्या कह रही हूँ टेन ईयर वाला बुक ले लो चलो अच्छा ये मैंने बताया डाइसल्फाइड <laughs> ब्रिजेस ठीक है फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाई डीएनए टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन मैं तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक दिखाती ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम्म हम्म चलो ये करते मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज ऑफ 2011 में क्वेश्चन आया था बोलो नाइन्टी फाइव परसेंट ऐसे क्वेश्चन तो नहीं गलत करके आओगे रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स एंड अबाउट सर्टेन मिस्टेक्स इन टू एंड इन टू ऑफ देम अच्छा मिस्टेक्स हैं ठीक है विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स हैव मिस्टेक आओ पढ़ लेते हैं 2011 में क्वेश्चन आया था बड़े क्वेश्चन देख के डरना नहीं है एक एक लाइन पढ़ोगे

Genetic engineering has been successfully used for producing Those are thus my question tha bhi pad Transgenic mice for testing safety of polio vaccine Transgenic models for studying new treatments for certain cardiac diseases Transgenic cow Rosie which produces high fat milk Animals like bulls for farm work as they have superpower साफ पता चल रहा है देखने में ये ट्रू स्टेटमेंट है कार्डियक डिजीज़ तो हमने पढ़ा ही नहीं हमने पढ़ा है एल्जाइमर्स हमने पढ़ा है आर्थराइटिस रोमोटॉइड आर्थराइटिस इन सब की डिजीज वो देख रहे हैं हम डिजीज टेस्टिंग कर रहे हैं ट्रांसजेनिक काओ भैया हाई फैट नहीं हाई प्रोटीन देती है वो ठीक है एनिमल्स लाइक बुल्स ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं चलो भैया आज की क्लास यहीं ख़त्म करेंगे आई uh, होप ये चैप्टर तुम्हारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया अभी भी मेरी सलाह यही है तुम लोगों को अच्छा इसका पी मैं अभी तुम लोगों को वहाँ दे दूंगी आई विल गिव इट टू यू इन द टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए आर आई टी यू आर ई डब्ल टी ई डब्ल्यू ए एल ऋतु रत्वाल ठीक है पहली बात दूसरी बात आप यदि 2023 हज़ार के लिए अच्छा मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर मेरा 2022 में हो जाएगा क्या पता नहीं देखो ये कोई प्रडिक्ट नहीं कर सकता कि तुम्हारा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा ठीक है तुम्हें मेहनत के ऊपर है तुमने कुछ पहले कितना पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा कितना आता है तुम्हारा दिमाग कितना शार्प है तुम कितनी प्रैक्टिस कर सकते हो तुम कितने आवर्स डेडिकेट कर सकते हो इट डिपेंड्स अपॉन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स बट आई कैन टेल यू वन थिंग जो बच्चा ये सोच के अभी नहीं पढ़ेगा कि मेरा 2022 में तो हो ही नहीं सकता इतना पास आ गया मैं 2023 के लिए पढ़ूंगा और वो अभी के एक दो महीने वेस्ट करेगा ये मैं लिख के दे सकती हूँ कि वो 2023 का एग्जाम भी नहीं क्रैक करेगा सो so, आप 2022 के लिए पढ़ो या 2023 के लिए पढ़ो आपको पढ़ना है अभी से और आपको ऐसे पढ़ना है 2022 के लिए कि इसी को ही क्रैक करना है ठीक है जो बच्चा ये सोच के मेहनत नहीं करेगा वो अपने दिमाग को सिर्फ तरीके दे रहा है मेहनत ना करवाने के लिए दिमाग है दिमाग तो चाहता ही है कि मेहनत ना करो मैं तो तभी पढ़ूंगा कोई मुझे गारंटी दे दो कोई टीचर मुझे ये बोल दे कि बेटा अभी से पढ़ोगे तो हो जाएगा सिलेक्शन मैं कह रही हूँ तुम्हें तभी तो तुम लोग ये वीडियोस देखते हो कैन आई प्रिपेयर नाउ इट इज जस्ट टू मंथ्स पीपल आर मेकिंग मनी ऑफ यू ठीक है ये ऐसी ऐसी वीडियोस बना के हाउ कैन आई कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 15 डेज वो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको 15 डेज में रिवीजन करना है समझ रहे हो कोई यूट्यूब वीडियो में ये नहीं बताता कि भैया तुम्हें तो पहले से पढ़ा होगा वो पंद्रह दिन का काम उसके लिए है नहीं तो नहीं हो सकता ठीक है मैं बता रही हूँ तुम लोगों को जब तक ये वीडियोस के पीछे पड़े रहोगे हाउ टू डू इट हाउ टू डू दैट देर इज नो अदर वे द ओनली वे इज हार्ड वर्क जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत डाल दो जिसका 2022 के लिए जो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा वो 2023 भी क्रैक नहीं करेगा क्योंकि उस बच्चे को हैबिट है मेहनत ना करने की जब वो 2023 के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा तो उसका माइंड उसको दूसरे एक्सक्यूजेस देगा क्यों ना मैं आज नानी के घर चला जाऊँ अरे मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है क्यों ना मैं आज सिर्फ बर्थडे पार्टी में चला कल से पढ़ूँ उसका दिमाग हर रोज कल कहेगा कल पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा इसको जितना ट्रेन करोगे उतना ही काम कर पाओगे जितना इसको ऐसे करके रखोगे ओ माय माइंड ओ द किंग उसने कह दिया कि अब तो नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं पढ़ूंगा समझो इस बात को माइंड इज सेपरेट देन यू यू आर सेपरेट देन माइंड ठीक है आपका माइंड आपको ऐसी ही जगहों पे लेके जाएगा जिसका माइंड नहीं लेके जाता वो बच्चे टॉप कर जाते हैं पेपर निकाल देते हैं जो बच्चे अपना माइंड कंट्रोल करना सीख जाते हैं समझ हो सो प्रिपेयर वेरी लाइक फुल पावर तैयारी शुरू कर दो 2022 की हर रोज़ पढ़ो हर रोज पढ़ो 10 10 12 12 घंटे हर रोज़ पढ़ो 2022 नहीं होगा तो बच्चे तेरा 2023 निकलेगा और अगर तू वो बच्चा है जो कह रहा है कि मैं अभी क्यों इतनी मेहनत करूँ जब 2023 हज़ार तो बहुत ही दूर है उसका दो भी नहीं निकलेगा आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट अगर तुम लोग प्लस पे तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ 2023 के लिए या 2022 के लिए तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अगर तुम टेस्ट करना चाहते हो हाउ प्लस पे कैसे स्टडीज होती है देन यू गो फॉर द 299 प्लान ठीक है क्या है ढाई सौ रुपये में तुम लोगों को फोर्टी डेज देखने को मिलेगा कैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं क्या है बट इफ यू आर वेरी श्योर कि तुम लोगों को पढ़ना है मेरे साथ पढ़ना है और पूरा साल पढ़ना है देन यू टेक डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन लो आइकॉनिक और प्लस का क्योंकि अभी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ट्वेंटी परसेंट ऑफ चल रहा है ठीक है नहीं तो जनरली टेन परसेंट ऑफ मिलता है सो so, आप लोग कोड यूज़ करो आर आई टी यू रितु एंड देन यू जस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी परसेंट ऑफ में ठीक है अभी मैं तुम लोग को टेस्ट दूंगी इन दोनों चैप्टर्स की बायोटेक के फर्स्ट टू उसके बाद मैं तुम्हें सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी का वन शॉट कराऊंगी कोशिश करूंगी अप्रैल में ही तुम दोनों ये दोनों चैप्टर्स करा दो तुम्हें सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी ठीक है चलो आई विल सी यू प्लस पे कल क्लास है इसी चैप्टर के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी एम टीजी फिंगर टिप्स के ठीक है हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं अगर हंड्रेड ना भी प्रैक्टिस कराऊँ तो तुम्हें सत्तर अस्सी प्रैक्टिस करा दूंगी मैं तो इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस 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 जितना प्रैक्टिस करोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम बादशाह बन जाओगे उस सब्जेक्ट के जितना प्रैक्टिस से भागोगे मतलब डू इट जस्ट डू इट